हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे। तो भाई सुबह के देखो 1:45 लगभग हम लोग 12:30 में उठ गए थे। इस टाइम के बाद से फ्रेश हुए और नहाना धोना जो भी था वो हो गया है। और अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से भाई लोगों के साथ दगड़ू सेठ हलवाई गणपति दर्शन के लिए। तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जो भी है जैसा भी है ब्लॉग बनाते हैं भाई बढ़िया से। तो अपने साथ चलते हैं भाई आलू भाई और इस तरफ सागर और वो यतीश भाई है ना। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से और आपको दिखाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं, माहौल जो भी है ना वो फील करवाते हैं। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। अब जो है कि यहीं पे गाड़ी पार करनी है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो 3 बजे के टाइम में इतनी भीड़ देख रहे हो। ये कौन सा है? ये पुणे का कस्बा गणपति मंदिर है। ये पुणे के मतलब सबसे मेन भायु गणपति जो होते हैं, हाँ, जिनको मतलब ये मिला है, सम्मान मिला है, जो टॉप मतलब जिनका मतलब पहले 5 में आते हैं। हाँ। तो एक है। होई होई। बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कस्बा गणपति मंदिर। यस वाओ। इन्होंने ये कौन सा है? ये पुणे का कस्बा गणपति मंदिर है। ये पुणे के मतलब सबसे मेन भायु गणपति जो होते हैं, हाँ, जिनको मतलब ये मिला है, सम्मान मिला है, जो टॉप मतलब जिनका मतलब पहले 5 में आते हैं। हाँ। तो एक है। होई होई। बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कस्बा गणपति मंदिर। यस वाओ। और इन्होंने ये बनाया है, स्टैचू टाइप में बनाया है नवग्रह मित्र मंदिर ने। अच्छा, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है, स्टैचू है, ये बस बनाया है लोगों को देखने के लिए। अरे भाई ये मंदिर नहीं है, मंदिर का स्टैचू है लोगों को देखने के लिए बनाने के लिए। ये वैसे एक्चुअल में कहीं और है? हाँ, इधर अंदर ओरिजिनल गणपति देखने को। अच्छा, यहाँ पे वो दिखा। हाँ यार, भाई ये जो गणपति है ना कस्बा गणपति को देखो लिखा है मानाचा पहला, यानी कि पहला सम्मान मिला है। तो 5 गणपतियों में से ये वाले ना सबसे फेमस है, जो स्टैचू आपने पीछे देखा। भाई यकीन नहीं होता कि यार ये स्टैचू था करके एकदम ना प्रॉपर मंदिर दिख रहा था यार। वो ये क्या है भाई? ये दीवानों की भीड़ बताती है दरबार किसका है। हाँ, ये दीवानों की भीड़ बताती है दरबार किसका है। आगे दिखेगा असली भीड़, ये तो बस ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है। क्यों आगे बहुत कुछ दिखने लग गया, भीड़ दिखने लग गया। क्या हुआ? बाजीराम अस्तानी का शनिवार वाड़ा। यहाँ क्या हुआ? मतलब यहाँ पे सब जो पेशवे थे वो रहते थे यहाँ पे। कैदी? नहीं, अच्छा। बाजीराव पेशवे। अच्छा, बाजीराव पेशवे यहाँ पे शासन किया। हाँ, वो रहते थे यहाँ। हाँ। कितना बड़ा है ये मराठों का साम्राज्य? सबसे बड़ा इन्होंने बड़ा है, पेशवे ने। अच्छा, इनने। कड़क चाय सुबह टी टाइम कैसी है भाई? दोस्तों केदारनाथ बना रखे देखो मंदिर। अरे गजब, प्रति केदार। यहाँ पे भी कुछ बनाया है।
यहाँ पे किला बनाया है। देखो यहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, केदारनाथ की प्रतिकृति से लेकर के सब कुछ, हर गली पे कुछ ना कुछ स्पेशल है भाई। अभी ना अभी हम लोग जा रहे हैं दगड़ू सेठ मंदिर, वहाँ पे ना जो जटाली मंदिर है ना, हाँ हिमाचल प्रदेश का, हाँ उसका सेम मंदिर जैसे उन्होंने बनाया है, हाँ लोगों के देखने के लिए, हाँ और पिछले साल 2023 में राम मंदिर का सेम बनाया था यहाँ पे सेम बनाया था। अब हम आगे जाके देखेंगे ये क्या बना रखा है, हिमाचल वाला, हिमाचल प्रदेश का जटोली शिव मंदिर है। हिमाचल प्रदेश का ना जटोली जो शिव मंदिर है उसकी प्रतिकृति देखने को मिलेगी यहाँ। दगड़ू सेठ हलवाई जो मंदिर है, गणपति मंदिर है वहाँ पे, ये देखो। ओ भाई ये क्या है रे, वो जो ओ भाई वो गणपति जी है, हाँ वो वहाँ पे विराजमान। अच्छा इन्हीं के दर्शन करते हैं ना, दर्शन कर देखो भाई लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीम है हम सारे भाई। देखो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ना दर्शन कराए जा रहे हैं लोगों को, जय हो गणपति। इन्हीं के दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं अभी। ये जो मंदिर है ना, हाँ यहाँ पे साल भर गणपति जी रहते हैं, यही है दगड़ू सेठ मंदिर। लेकिन जो ये 10 दिन है, हाँ इस 10 दिन के टाइम में वहाँ पे वो जो मंदिर दिख रहा है जटोली का बनाया हुआ, हाँ वहाँ पे होते हैं। बाकी साल भर अगर आपको अपने को दर्शन करना है तो यहाँ इस मंदिर में करना पड़ता है। अच्छा और अभी फिलहाल वो हिमाचल का जटोली मंदिर बना रखा है वहाँ पे रखे है ना। यस ठीक ठीक चलो चलो पास जा रहे हैं। ओ भाई गणपति बप्पा दिख गए जी जी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया मोरया। चप्पल गुम हो गया भाई मेरा चप्पल कोई पहन ले गया, मैं पता नहीं किसका चप्पल पहन रहा है भाई। अबे कुछ नहीं इसको क्या पता, मेरा देख की चप्पल है, मेरा चप्पल देख, मेरा भी गुम हो गया। तेरा भी गुम हो गया, देख मैंने तेरा भी गुम, एक दूसरा पहना एक दूसरा पहना। अच्छा ओ भाई यहाँ देखो मेरा भी गुम। ओ वाह, अगर उसके अंदर हमारा कॉइन जाता है तो ऐसी संभावना है कि हमारे अगर कोई मन्नत हो तो पूरी हो सकती है। और ये मन्नत का गणपति है, ये इनको क्या बोलते हैं, क्या पूर्ति कलेश है। अच्छा इच्छा पूर्ति ये है भाई। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु मदुराई, ये थी मीनाक्षी मंदिर। चलिए यहाँ से इधर से घुसते जगन्नाथपुरी। तो भाई हर जगह नए रूप में गणपति, हर जगह नए टाइप के मंदिर की प्रतिकृतियाँ भाई। अभी देखो यहाँ पे गणपति चौक मंडल नहीं, क्या है, लक्ष्मी रोड चा राजा, लक्ष्मी रोड चा राजा गणपति हैं यहाँ पे। तो भाई इतने टाइप के गणपति ना, बहुत मज़ा आ गया। हर गली पे अलग अलग दर्शन हो रहे हैं भाई, अलग 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 तरीके से सजा रखे हैं। जो भाई मजा आ रहा मजा। ये है मोदक, पकड़ बॉइल से। तो भाई ये है मोदक, इसमें अंदर जो होता है ना वो आधा तेरे को बोलना, क्या बोलना है तेरे को,
ए वो गिरेगा स्टफिंग दिखा। ओ भाई भाई आधा स्टफिंग आधा ये कर ये देखो भाई मोमो जैसा क्या कहेगा चावल का है। हाँ बाहर का देख कैसा है मोदक पहली बार वाह ये तो मैं थोड़ा उधर ठंडा बहुत जबरदस्त है यार ये मजा आ गया रे। तो भाई अभी भाई और मैं घूम रहे हैं भाई मेरे को नई रोड से ले जा रहा है अभी जीएम रोड है जंगली महाराज रोड है ना जंगली महाराज ना जंगली महाराज देखो भाई कुछ बढ़िया वाइब सारे यार भाई हेलो गाइस हम मुंबई आए थे फिजो भाई से मिलने लेकिन फिजो भाई तो मिले नहीं तो हम वापस अभी मुंबई जा रहे हैं फिजो भाई से मिलने और नेक्स्ट टाइम एंड बॉम्बे सेंट्रल इज कमिंग एंड वी मीटिंग एंड लेट्स डू इट संडे एंड अरे क्या होता है यार यही होता है।